आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल एसआर सचिन एसआर में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो चीज़ होती है ये काहे की वर्क मतलब क्या काम करती है। तो इसमें ये चीज़, ये केबल लगी होती है और ये स्पीडोमीटर को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो जब भी आप स्पीडोमीटर को लें या देखें या कुछ भी आपका ख़राब हो तो सबसे पहले इसको ज़रूर चेक करवाएं। तो इसको चेक करने का मकसद क्या है, आप इसको इसके अंदर लगाएं और टायर को घुमाएं तो आपको जो स्पीडोमीटर है वो काम करने लगेगा। तो अभी क्या हुआ है, जो इसके अंदर की जो बैरिंग होती है, जो नाश्ती है, जिसको ये चलती है, ये यूं यूं करके चलती रहती है और सुई ऊपर उठती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सुई ऊपर उठ रही है और फिर ये जब खराब हो जाता है तो टायर के साथ स्पीडोमीटर नहीं चलता है, मतलब टायर नाश्ता है लेकिन स्पीडोमीटर नहीं चलता है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले सबसे पहले अलाय व्हील को निकाल लेते हैं। तो अलाय व्हील को निकालने के लिए पहले बोल्ट को खोल लेते हैं और इसी बहाने से आपका जो ब्रेक शू है उसको भी थोड़ा घिस लिया जाएगा तो वो अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगा। तो अभी हम अलाय व्हील को निकाल लेते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये पूरा बोल्ट निकल चुका है और अलावा कुछ करना नहीं है, इसको निकालना है। और सबसे पहले ब्रेक शू को देखते हैं, ब्रेक शू के क्या हाल चाल है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा घिस चुका है ये ब्रेक शू। शायद मेरे पास ये ब्रेक शू पड़ा भी है तो अगर मैं चाहूँ तो अभी डाल सकता हूँ, लेकिन इसको डालना तो नहीं चाहता क्योंकि अभी ये सर्विस नहीं हुई है गाड़ी। तो इस वजह से अभी हम लोग क्या करेंगे, केवल जो काम करने के लिए आए हैं वो करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ काले पीले नीले रंग की कुछ बैरिंग दिखाई पड़ रही है। तो ये आप देख सकते हैं होंडा की बैरिंग है, ये 52 रुपीज़ की पड़ी है लेकिन हमको ये 50 रुपीज़ की दिया गया है। तो क्या आप जानते हैं इसको कैसे फिक्स किया जाए, तो चलिए शुरू करते हैं फिक्स करना। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ निकलती है जो कि बैरिंग को फंसाने के काम में आती है और यहाँ पर दो वार्सल और एक वाइट कलर का वार्सल और एक ये जिसमें घूमता है। तो सबसे पहले मैंने ब्रेक शू को निकाल लिया हुआ है और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको बाहर निकाला जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये बाहर आ चुका है और ये घिस भी चुका था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ की जो मैंने बैरिंग निकाल के आपको दिखा चुके थे और ये बैरिंग निकालने के लिए क्या करना है, आपको नीचे की तरफ पुश करना है। ये बहुत थोड़ा सा टाइट है लेकिन काम आपका परफेक्ट हो जाएगा। और ये देख पा रहे होंगे आप, मैंने निकाल दिया बैरिंग और ये जो बैरिंग है देख पा रहे होंगे आप कितनी घिस गई है और कितनी काली हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा कैरोसिन ऑयल डाल करके क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीनिंग तो आपको आती ही होगी, क्लीनिंग दिखाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अभी आपको मैं क्लीनिंग दिखा देता हूँ कि कैसे क्लीनिंग किया कर सकते हैं। Yeah.
मैंने जैसे आपके आपको दिखाया था कि पैकेट में एक ये निकला है, इससे ये घूमता है, तो आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है इसके अंदर आपको इसको ढकेलना है यूं, और फिर ये जो गोल सा छोटा सा मिला था आपको, इसको भी इसी के अंदर ढकेलना है, और ये इसको रोकने का काम करता है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये चलना शुरू कर दिया है गोल गोल। जितनी भी सारी चीजें उस पैकेट में निकली थी मैंने सेट कर लिया हुआ। अब क्या करना है आपको कि आपको इस टायर को फिर से वैसे ही बांध देना, और यहाँ पर जितने भी वायर वायर थे सबको लगा देना है, और फिर देखते हैं स्पीडोमीटर काम करता है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से तो स्पीडोमीटर काम करना चाहिए, और मैं इसीलिए वजह से ये वीडियो बना रहा था। तो जरूर से जरूर अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी मैं